नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में देश की गरीबी दूर करने को कहा गया। 55 वर्षों से यह लोग आज तक गरीबी दूर नहीं कर पाए। जब भी चुनाव आता है, परदादा से लेकर के राहुल गांधी तक गरीबी हटाओ का नारा चुनावी घोषणा पत्र में देते हैं। राज्य मंत्री नायाब सिंह सैनी। कैथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। पहली बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें देश की गरीबी दूर करने को कहा गया है। 55 वर्षों से यह लोग आज तक गरीबी दूर नहीं कर पाए। जब भी चुनाव आता है, परदादा से लेकर के राहुल गांधी तक गरीबी हटाओ का नारा चुनावी घोषणा पत्र में देते हैं। वही नारा आज भी राहुल गांधी चुनाव में दे रहे हैं। कांग्रेस से 55 वर्षों में गरीबी नहीं हटी। आज 5 वर्षों में जो मजबूत लड़ाई मोदी सरकार ने गरीबी के प्रति लड़ी है, हर व्यक्ति अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है। मोदी सरकार ने जो किया है उससे लोग खुश हैं। यह वक्तव्य श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायाब सिंह सैनी ने कैथल में हनुमान और महाराजा अग्रसेन सदन में के हाल में एक कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि देश में मजबूती से आगे बढ़ा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई गुट बने हैं, चाहे राहुल गांधी आए या गुलाम नबी आज़ाद आए, उनके मतभेदों को मिटा नहीं सके। देश और प्रदेश की जनता 10 वर्षों से हरियाणा को लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैलाया गया है। हरियाणा प्रदेश की जनता का मोह भंग भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का गणित ठीक नहीं है। 3 जनसभाएं हरियाणा में भी की है, वहां के लोग भी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है। लोग कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा में मजबूती का विकास दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इनेलो पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इनेलो में हरियाणा के अंदर जो भी पार्टियां हैं उनमें से इनेलो एक है और हरियाणा में इनेलो ही के अंदर पूरे परिवार के अंदर एक कलह जो है वो देखने को मिल रही है। खुद इनेलो के अंदर एक दूसरे से ऊंचा उठने की होड़ लगी हुई है। करनाल के नगर निगम चुनाव में भी सभी दलों ने एक ही उम्मीदवार उतारा, परंतु जनता ने यह ठान लिया है कि गठबंधन को वोट नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने आम लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, पहली बार है कि कांग्रेस ने जो ये घोषणा पत्र इस प्रकार का जारी किया है कि जिसके अंदर देश की संवैधानिक परिस्थितियों के ऊपर भी आंच आती है। और उन्होंने, क्योंकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो गरीबी के प्रति उन्होंने दिया है, ये तो पिछले 55 वर्षों से लगातार दे रहे हैं। जब चुनाव आता था, चुनाव के समय में इनके परदादा से लेकर के राहुल गांधी के और राहुल गांधी तक जब भी चुनाव आता था, गरीबी हटाओ का नारा ये अपने घोषणा पत्र में अपने इलेक्शन के अंदर ये देते हैं। परंतु 55 वर्ष के अंदर तो गरीबी नहीं हटी। 55 वर्ष में तो व्यक्ति रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है। आज 5 वर्षों में जो मजबूत लड़ाई गरीबी के प्रति लड़ी गई है, गरीब व्यक्ति को खुशहाल करने का काम किया गया, ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा है। जो कांग्रेस ने अपना ये घोषणा पत्र जारी किया है, एक झूठ का पुलिंदा है, लोगों को गुमराह करने वाला है और देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करने वाला ये घोषणा पत्र कांग्रेस का है। क्योंकि घोषणा पत्र में तो देश के 103 तो यहाँ तो इसमें तो कुछ और बदबू इस घोषणा पत्र के अंदर आ रही है जिसको देश समझ रहा है। कांग्रेस ने भी इस परिवर्तन यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान इसका नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा तो इन्होंने अपने परिवार को, अपने कुनबे को एकजुट करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा चलाई थी, एक बस में बैठा करके कि उनके मनभेदों को दूर किया जाए। परंतु यहाँ के जो गुट बने हुए हैं कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी आए और चाहे इनके प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद आए, उनके मनभेदों को वो मिटा नहीं सके, दूर नहीं कर सके, वो और बढ़ गए हैं। और
उसका परिणाम ये निकला है, क्योंकि देश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा को भी लूटने का काम किया, हरियाणा के भी भोले भाले किसानों की जमीन बिल्डरों को देने का काम इन लोगों ने किया, जो भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैलाया, उसका परिणाम ये है कि हरियाणा प्रदेश की जनता का मोह इनसे भंग हो गया है। और राहुल गांधी भी आए, 500 आदमी भी वो अपने उसके अंदर इकट्ठा नहीं कर पाए, दूर दूर से वो भी कार्यकर्ता इन्होंने अपने बुलाने पड़े।